पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय यूथ प्रधान व एमएलए राजा बड़िंग द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर की गई बद्दी शब्दावली पर शिरोमणि अकाली दल के राज्य मंत्री मदन लाल बग्गा ने बड़िंग के खिलाफ लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजा बड़िंग को मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा है। साथ में ये भी कहा कि अगर राजा बड़िंग माफी नहीं मांगते तो लुधियाना में बड़िंग के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। बग्गा ने कहा कि मुख्यमंत्री एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाब की खुशहाली के लिए, शांति व विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं। राजा बड़िंग का कद मुख्यमंत्री से बहुत छोटा है और राजा बड़िंग ने जो बद्दी शब्दावली का प्रयोग किया उससे शिरोमणि अकाली दल को बहुत ठेस पहुंची है। राजा बड़िंग ने जिस भाषा का प्रयोग किया उनसे उसकी छोटी सोच सामने आई है। कुछ दिन पहला कांग्रेस पार्टी के एमएलए राजा बड़िंग जी ने साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री सारे दिलों के हरमन प्यारे जिन्होंने तकरीबन पंजी बारी इटर्म साल एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब की सेवा की है, उन्होंने खिलाफ बड़े ही मंदभागे के लफज बोले। पंजाब के लोगों के मन में बहुत ठेस पहुंची है क्योंकि साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब एक ऐसी शख्सियत ने जिन्होंने पंजाब की शांति वास्ते, शाम के विकास, पंजाब के विकास वास्ते, पंजाब की खुशहाली वास्ते अपनी जिंदगी का सारा हिस्सा पंजाब की सेवा वास्ते लाया। पर यह जो लफज बोलने राजा बड़िंग शोभा नहीं देंगे। मैं तो कह सकता बड़िंग 9 साल की डिवेलपमेंट जो पंजाब हुई है, सार सुखबीर सिंह बादल जो 2007 एक निशाना लैके आए थी पंजाब की डिवेलपमेंट का, अज कांग्रेस बखलाई हुई है। कांग्रेस कोई भी यहोजा मुद्दा नहीं जिस ते श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता सरकार के खिलाफ बोलन, क्योंकि उन्होंने सोच एक छोटी सोच रह गई है, वो सिर्फ अणछंड बोल सकते हैं। मैं एक जरूर कहना चाहवागा राजा बड़िंग जी कि बादल साहब की बराबरी करना, बादल साहब की शान के खिलाफ बोलना पहले अपना कद नाप लैन, पर यह कि जी सोच ने गल की है उन्होंने पहल आधार से बादल साहब तो माफ़ी मंगनी चाहिए है। बिल्कुल माफी ना मंगन गए जी, बिल्कुल मुहिम चलावे पंजाब के किसे लोह पुरुष नूं, पंजाब दे जिहड़ा पंजाब दी कमान संभाल के बैठा वो खिलाफ बोल रहा, सोचा भी नहीं उन्हें गल करने लई मैं गल की कर रहा।